हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ZTE Exynos 11 SE 5G के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं, ये वही कंपनी है जिसने रेड मैजिक रिलीज किया है जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट फोन में आता है। तो आज हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशंस, इसका प्राइस, इसके रिलीज डेट और इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डायमेंशंस के बारे में। तो ये फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है, साथ ही से बैक कैमरे का डिजाइन कुछ सिमिलर है आईफोन 11 प्रो मैक्स से। तो रही बात इसकी डायमेंशंस की, तो इस फोन की थिकनेस होने वाली है 8.8 mm की, साथ ही इसका वेट होगा 184 ग्राम्स का। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इस फोन में आपको मिलती है 6.53 इंचेस की LTPS IPS LED टच स्क्रीन और इस स्क्रीन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो होने वाला है 84.3% का। साथ ही इसका रिजोल्यूशन आपको मिलता है 1080x2340 पिक्सल्स का, जो कि है फुल HD। साथ ही आपको मिल जाती है 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी और इन सब का मतलब है आपको स्क्रीन भी काफी अच्छी मिल जाती है। बात आती है इसकी प्लेटफॉर्म या चिपसेट की, तो उसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 800 वाला प्रोसेसर जो कि 5G भी सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और इस प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाता है Mali G57 का GPU। तो बात रही इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको मिलता है Android 10 और इसके साथ आपको मिलता है MI Favor 10.1 का यूजर इंटरफेस। गाइस यहाँ पर इसके यूजर इंटरफेस को लेकर एक कंफ्यूजन होता है। जो यूजर इंटरफेस आपको इस फोन में मिलता है उसके नाम में MI यूज किया गया है, बट गाइस मैं आपको बता दूं, MI ब्रांड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ZTE वालों ने ही बनाया है और वे ही इसको अपने फोन में यूज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की। तो इस फोन में आपको मिलती है 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्लस 6GB की रैम और साथ ही आपको मिल जाता है यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज 2.1 का फीचर। साथ ही आपको इसकी मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट का फीचर भी मिल जाता है। तो रही बात जैसे कैमरे की, इस फोन में आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, यानी कि 4 कैमरे आपको इस फोन में मिल जाते हैं जो कि होंगे 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और गाइस ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। और इस कैमरे के साथ आपको LED फ्लैश, पैनोरामा एंड HDR जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बैक कैमरे के बाद अब बात आती है इसकी सेल्फी कैमरे की। तो इस फोन में आपको मिलने वाला है 60 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। साथ ही आपको HDR का फीचर भी मिल जाता है। और गाइस इस फोन में फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है रियर माउंटेड, जो कि काफी ओल्ड फैशन हो चुका है। अब जो आपको इसके प्राइस रेंज में मोबाइल मिलते हैं उनमें आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट मिलता है, तो अगर ZTE चाहता तो इसको अपग्रेड भी कर सकता था, बट उसके लिए ZTE को इसकी डिस्प्ले में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी। तो इस फोन में आपको मिलती है 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें फोन में मिल जाता है और ये फोन चार्ज हो जाता है 50% इन 30 मिनट्स। तो बस गाइस यहाँ पर इस फोन की स्पेसिफिकेशंस खत्म हो जाती है। बात करते हैं इसके प्राइस एंड रिलीज की। तो इस फोन की इंडिया में एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 15 जून 2020 और उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 29,000 इंडियन रुपीज। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।